खुले आसमान में उड़ती हुई चिड़िया कितनी अच्छी लगती है। चिड़ियों का नाम सुनते ही हम सब यह सोचने लगते हैं कि ऊंचे आसमान में पंखों को फैलाकर उड़ान भरना। पर धरती पर कुछ ऐसी चिड़िया भी है जो सिर्फ कहने के लिए चिड़िया है पर ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए नहीं। दुनिया में ऐसी पक्षी भी होती है जिनके पास पंख तो होते हैं पर वह कभी उड़ नहीं सकती है। आज कुछ ना उड़ पाने वाली चिड़ियों के बारे में जानेंगे, फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो बात सबसे पहले होगी शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच की। ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कहा जाता है। ऑस्ट्रिच की ऊंचाई करीब 9 फीट तक होती है और वजन लगभग 150 किलो का। इसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच मुख्यतः अफ्रीका में पाया जाता है। यह अफ्रीका के मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ऑस्ट्रिच को एक चिड़िया ही कहा जाता है पर यह अपने भारी शरीर की वजह से उड़ नहीं पाती है और इसे धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाली चिड़िया कहा जाता है। शुतुरमुर्ग दौड़ते समय अपने पंखों से बैलेंस बनाकर रखते हैं। ऑस्ट्रिच की आयु करीब 70 वर्ष की होती है। ऑस्ट्रिच को उसके अंडे और मीट के लिए पाला जाता है। मादा ऑस्ट्रिच लगभग एक साल में 50 अंडे देती है। ऑस्ट्रिच फल, घास, बीज, कीट पतंगे सब कुछ खा सकती है। इसके मुंह में दांत नहीं होते हैं। खाने को पचाने की शक्ति इनके पास अच्छी होती है और खाने को पचने में हेल्प के लिए ये कंकड़ भी खा लेते हैं। ऑस्ट्रिच बिना पानी पिए भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इसकी आंख 2 इंच तक लंबी होती है और इसकी आंखें इसके दिमाग से बड़ी होती हैं। ऑस्ट्रिच की गर्दन भी बहुत लंबी होती है। ऑस्ट्रिच के पैर बहुत शक्तिशाली होते हैं। यह अपने पैरों से किसी भी जानवर को मार सकती है और अपनी आत्मरक्षा कर सकती है। इमू को दुनिया का सबसे पुराना पक्षी कहा जाता है क्योंकि इसे डायनासोर के जमाने का पक्षी मानते हैं। इमू ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में पाया जाता है और इमू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है। इमू विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिड़िया है। इसकी लंबाई लगभग 6 फीट होती है और वजन 59 किलोग्राम। इसकी आंखों पर 2 पलकें होती हैं। इन दोनों में से एक पलक धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करती है और दूसरी पलक झपकती है सिर्फ। इमू कई दिनों तक बिना खाए पिए भी रह सकता है। इमू की एज लगभग 35 वर्ष की होती है। इमू बर्ड सब कुछ खा सकते हैं जैसे फल, फूल, पत्ते, कीड़े, छोटे जानवर जैसे छिपकली। ऑस्ट्रिच की तरह इमू भी खाने को पचाने के लिए कंकड़ पत्थर भी खाते हैं। ये बहुत फास्ट दौड़ते हैं और दौड़ने के साथ साथ ये बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। खाने की तलाश में यह पानी में तैरते भी हैं। पंख होने के बावजूद अपने भारी शरीर की वजह से ये उड़ नहीं सकते हैं। अंडे और मांस के लिए इमू का पालन किया जाता है। अब जानेंगे कैसोवरी बर्ड के बारे में। कैसोवरी की 3 प्रजातियां होती हैं, दक्षिणी कैसोवरी, उत्तरी कैसोवरी, छोटा कैसोवरी। कैसोवरी जंगल में छिपकर रहता है, इसे देख पाना बहुत मुश्किल होता है। ऑस्ट्रिच और इमू के बाद कैसोवरी तीसरा दुनिया का सबसे ना उड़ पाने वाला पक्षी है। कैसोवरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैसोवरी गुस्सैले और हिंसक स्वभाव के होते हैं। कैसोवरी लोगों की हत्या भी कर चुका है। इसके टांगे बहुत मजबूत होती हैं और नाखून बहुत तेज होते हैं। नाखूनों का इस्तेमाल या मिट्टी खोदने के लिए करते हैं। इसके सिर पर मुकुट जैसा बना होता है। कैसोवरी के पंख होते हैं पर ये उड़ नहीं सकते हैं पर अच्छा तैर सकते हैं। ये लगभग 40 से 50 साल तक जीवित रह सकते हैं। कैसोवरी देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ये सब कुछ खा लेते हैं। ये सर्वभक्षी चिड़िया है। कैसोवरी 50 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है और 2 मीटर की ऊंचाई तक कूद भी सकता है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी है। ग्रेटेरिया मूल रूप से एक ईस्टर्न साउथ अमेरिकन बर्ड है। ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी चिड़िया है। ये अवसरवादी खाने वाली चिड़िया है। ये अनाज, कीड़े, पत्ती खा लेती है। ये भी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कंकड़ खा जाती है। इसे मांस और अंडे के लिए पालते हैं और साथ ही
ग्रेटर रिया के तेल का भी इस्तेमाल कॉस्मेटिक और साबुन के लिए यूज किया जाता है और इसके चमड़े का भी कारोबार होता है। पंख होने के बावजूद ये चिड़िया भी उड़ नहीं सकती है। ये अपने पंखों से बैलेंस बनाती है और डायरेक्शन चेंज करती है। ना उड़ पाने वाले पक्षियों में पेंगुइन का नाम भी शामिल है। पेंगुइन उड़ नहीं सकता है पर तैर जरूर सकता है। ये पानी में 900 फुट की गहराई तक तैर लेता है। इसका पसंदीदा भोजन मछली है। पेंगुइन मुख्य रूप से बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। मेनली पेंगुइन अंटार्कटिक, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के तटीय इलाकों में पाया जाता है। इसके पंख इसके हाथों की तरह लगते हैं। पेंगुइन अपना आधा से ज्यादा जीवन पानी में बिताता है। पेंगुइन अपने पैरों की हेल्प से चलता है और अपने पेट की मदद से बर्फ पर फिसलता है। पेंगुइन अंडे देने वाली प्रजाति है। ये समुद्र का खारा पानी भी पी सकते हैं। पेंगुइन की आयु लगभग 15 से 20 साल तक की होती है। एम्पर पेंगुइन पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति है। इसके ऊपर काले और सफेद रंग के बाल होते हैं। इसके अजीबोगरीब चलने के ढंग से ये दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र है। तो ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिन्हें पंख तो मिले हैं पर ये अपने पंखों से उड़ नहीं सकते हैं, कभी नहीं उड़ सकते हैं। पर बिना उड़े भी ये बहुत कुछ कर सकते हैं। चिड़ियों के रूप में इनकी अपनी अलग पहचान है।